भाई साहब 115 गाइस, क्या भाग रही है ना भाई साहब निंजा यार। तगा छोड़ो, ये तो तूफान मशीन है भाई। यहाँ चेक करो भाई, देखो मशीन में से नाम निकल रहा है अपने चैनल का, मास्टर लविश नारंग। भैया दो नाम निकालने हैं, दो यूट्यूब के आइकन। लो जी गाइस, फाइनली अभी चेक करो भाई साहब, अपनी निंजा क्या दूर से चमक रही है ना। और अभी लग रहा है भाई जितनी भी मॉडिफिकेशन कराई थी ना निंजा पे, अब पूरी कंप्लीट हो चुकी है, अब पूरा डी एंड लग चुका है भाई। अपने चैनल के नाम के साथ मास्टर लविश नारंग, एक इधर भी है लेफ्ट साइड, एक राइट साइड भी है। ओ भाई साहब जरा यहाँ चेक करो भाई, मैं इसी एक्सीडेंट की बात कर रहा था भाई। पूरा टेम्पो पलट रखा है भाई, छोटा हाथी कह सकते हो, पूरा पलट रखा है भाई। सारे टायर ही टायर विजिबल है और लग रहा है 3-4 घंटे पहले हुआ है। आगे पुलिस वाले भैया जी नीचे उतर चुके हैं भाई बाइक से ना, क्या खतरा मंडरा रहा है भाई साथ में पुलिस वाला। सही है भाई, सही है। जरा लेफ्ट को चेक करो भाई साहब, क्या कमाल ग्रुप है ना यार, क्या मस्त लग रहा है भाई। एक साथ पिजन राइड कर रहे हैं भाई, बड़ा सुंदर लग रहा है। सो हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू द न्यू व्लॉग गाइस। फाइनली आज एक और न्यू फ्रेश डे के साथ फ्रेश न्यू व्लॉग में आप सभी लोगों का दिल से वेलकम है, स्वागत है। आज के दिन की शुरुआत हो रही है भाई सुबह पूरे करेक्ट 11:30 बजे। और यहाँ पे अपना भाई मस्त करके ब्रेकफास्ट डल के रेडी है, जिसमें भाई आलू गोभी की सब्जी है, साथ में परांठे हैं। बाकी गाइस आपको बता दूं, जब से हम लोगों ने डेविल किंग से अपने निंजा 300 की अपनी ग्रीन ब्यूटी की डिलीवरी ली है ना भाई, उसके बाद काफी सारी मॉडिफिकेशन कराई है। लेकिन जो मेन चीज है ना भाई, जिससे हमारा अस्तित्व है, आइडेंटिफिकेशन है, वही चीज भूल गए हैं भाई हम लोग। वो चीज करानी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको पता है यूट्यूब पे अपना चैनल है मास्टर लविश नारंग के नाम से, तो भाई यूट्यूब का ना तो आइकन लिखवाया है ना यूट्यूब का नाम लिखवाया है। तो अगर भाई कहीं पे भी बाइक खड़ी होती है ना, लोग ये तो पहचान जाते हैं कि भाई बाइक किसी यूट्यूबर की है, लेकिन वो ये नहीं पहचान पाते भाई नाम क्या है यूट्यूब चैनल का, यानी आइडेंटिफिकेशन नहीं हो पाती। सो आज का प्लान कुछ ऐसा भाई, आज हम लोग अपनी ब्रांड न्यू निंजा 300 के ऊपर अपने चैनल की ब्रांडिंग करवाने वाले हैं भाई। या तो यहाँ पे नाम लिखवा लेंगे या बाइक की दूसरी साइड लिखवा लेंगे। और एक मन मेरा ये भी है कि भाई दोनों बाइक की साइड पे, यानी लेफ्ट साइड पे भी राइट साइड पे भी दोनों साइड ही नाम लिखा होना चाहिए। बाकी दिन की शुरुआत हुई है भाई 11:36 पे, पापा जी यहाँ पे हैं। पापा जी गुड मॉर्निंग। पापा मेन चीज को हम लोग कैसे भूल सकते हैं बेटा, वो जरूर करवाना है, वो अच्छा लगता है, पता भी लगता है लोगों को यूट्यूबर है, किसका चैनल है पता लग जाता है। तो भाई दूर से बाइक जा रही है तो भाई उसका फायदा तो तभी होगा ना कि आपके चैनल का नाम दूर से रिफ्लेक्ट कर रहा है। पापा वही चीज मेन है ना, आज करा ली जाए। वो बहुत दिन हो गया अपने, बल्कि मिस कर गई चीज, वो मिस कर दी भाई, वो दिमाग से निकल गई भाई। और दुनिया भर की मॉडिफिकेशन कराने का दिमाग में आ गया, लेकिन मेन चीज ही भूल गए, चैनल का नाम ही भूल गए भाई। मंदिर में सुबह मस्त करके आरती कर ली है, जोत बत्ती कर ली है, पापा जी का ब्रेकफास्ट डन है। और अपना आपको पता है भाई, बाद ब्रेकफास्ट ठंडा ही हो रहा है। करते दिन की शुरुआत, लेट्स गो। फाइनली गाइस, हम लोग फाइनली पहुंच चुके हैं भाई साहब पालिका बाजार में, जहां पे अपन लोगों ने भाई पिछली बार भी अपनी आरटीआर अपाचे की मॉडिफिकेशन कराई थी। और जरा यहां चेक करो भाई साहब, अपनी निंजा क्या मस्त लग रही है ना भाई, धूप में चमकती हुई। और सामने देखो भाई शॉप है भाई की, जहां से पिछली बार भी काम कराया था। हाँ मेरे भाई, क्या हालचाल है, कैसे हो? ठीक हो? एक बार ऐसे करो, पंच मारो हाथ पे। ये निंजा कैसी लग रही है, सही है ना? चलो भाई, पिछली बार अपाचे थी जब यहाँ पे आए थे, अब अपने पास निंजा है जब यहाँ पे आए हैं भाई। मस्त लग रही है ना बाइक। चलो भाई अंदर की साइड ना भाई, अपनी बाइक का काम भी शुरू हो गया है, यानी स्टिकर निकलने शुरू हो गए हैं, चैनल की ब्रांडिंग निकलनी शुरू हो चुकी है। और भैया क्या हाल चाल है? बढ़िया, एकदम बढ़िया। एक बार ऐसे करो थम्स अप। बाइक कैसी लग रही है, सही? एक नंबर की भाई साहब, एग्जॉस्ट और भी नेक्स्ट लेवल है। यहाँ चेक करो भाई, देखो मशीन में से नाम निकल रहा है अपने चैनल का, मास्टर लविश नारंग। भैया दो नाम निकालने हैं, दो यूट्यूब के आइकन, ठीक है ना? चलो ठीक है भाई, करते हैं दिन की शुरुआत बढ़िया सी बाइक की मॉडिफिकेशन के साथ। और यहाँ चेक करो भाई साहब, और कितनी सारी बाइक्स खड़ी है ना भाई आसपास की शॉप पे, तगड़ी वाली मॉडिफिकेशन का काम चल रहा है। और अपनी बाइक आपके सामने खड़ी है भाई। चेक करो भाई साहब, अपनी निंजा क्या दूर से चमक रही है ना। और अभी लग रहा है भाई जितनी भी मॉडिफिकेशन कराई थी ना निंजा पे, अब पूरी कंप्लीट हो चुकी है, अब पूरा डी एंड लग चुका है भाई। अपने चैनल के नाम के साथ मास्टर लविश नारंग,
एक इधर भी है, लेफ्ट साइड एक राइट साइड भी है, बाकी काम में मजा आ गया भाई। ठीक है भैया, थैंक यू, चलो मिलते हैं फिर दोबारा, चलो निकलते हैं यहाँ से फैंटास्टिक सी राइड के लिए। तो फाइनली 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 गाइस, यहाँ पे हम लोग फुल पावर रेडी हैं गाइस आज की इवनिंग स्पेशल राइड के लिए। टाइम और अप्रोक्सीमेटली 4 बज रहे हैं, और जरा यहाँ चेक करो भाई अपनी ग्रीन ब्यूटी, ग्रीन बीस्ट कितना तगड़ा लग रहा है ना भाई। और आज सुबह से जो छोटी मोटी हल्की बहुत हम लोगों ने मॉडिफिकेशन कराई है अपने YouTube चैनल के नाम की, मास्टर लविश नारंग, क्या मस्त लग रहा है भाई। जरा कॉमेंट सेक्शन में एक प्यारा सा कॉमेंट ड्रॉप कर दो कि नाम बाइक पे सूट कर रहा है नहीं कर रहा, अगर नहीं भी कर रहा होगा भाई क्या ही कर सकते हैं, नाम तो चैनल का यही रहने वाला है। और बीस की चाबी अपने हाथ में है, करते हैं इसको आज का पहली बार कोल्ड स्टार्ट। और गाइस पहले ना भाई सुबह के टाइम पे धूप बड़ी ज्यादा थी, अभी धूप जा चुकी है ऑलमोस्ट की तरह, सनसेट का टाइम होने वाला है। और गाइस आपको जेन्युइनली बताऊं ना, अगर मेरे साथ कोई ग्रुप मेंबर है या नहीं है राइड के लिए, और कोई बाइक है या नहीं है, जब तक निंजा मेरे साथ है ना, निंजा मेरे हाथ में है, तब तक ना कोई कमी फील ही नहीं होती भाई किसी भी चीज की, ना तो बाइकर की, ना ग्रुप की, ना किसी बाइक की भाई। और ये देखो भाई इसका एग्जॉस्ट कितना गंदा हो रखा है भाई, कितना गंदा हो रखा है। कल हम लोग रोहतक गए थे, वहां पे थोड़ी थोड़ी बारिश आ रखी थी, पूरा अपना मड गार्ड गंदा है, चैन सेट गंदा है, एग्जॉस्ट भी गंदा है भाई। ये देखो गाइस ऊपर बादलों का क्या मस्त सीन है ना भाई, ऊपर ऐसा लग रहा है भाई जैसे किसी ने हाथ से पैटर्न बना रखा हो भाई, यानी हाथ से ड्रॉइंग कर रखी हो भाई बादलों में ना, अलग अलग पैच है भाई, अलग अलग जगह पे स्काई में बादल ही बादल दिख रहे हैं भाई, टोटली बादलों से कवर्ड है पूरी स्काई भाई साहब। गर्मियों के साथ साथ भाई ट्रैफिक भी बड़ा ज्यादा हो रहा है भाई सिटी में आज, पता नहीं क्या कारण है, लेकिन जो भी कारण है हम लोग ट्रैफिक में फंसने वाले हैं भाई। ये चेक कर रहे हो गाइस, साफ सीधी बात है मैं आपको क्लियर शॉट बताता हूँ भाई, जो जो चीजें अपनी सिटी में हो रही हैं नहीं हो रही, मुझे लग रहा है यार शाम को तो ट्रैफिक कम होना चाहिए, लेकिन आज शाम को भाई सुबह से भी ज्यादा ट्रैफिक है, और अंकल जी ने हमें एकदम धोखा दे दिया भाई आगे आके ना। और अपने यहाँ पे भाई ऐसा ही होता है भाई, हरियाणा में ऐसा ही होता है भाई, जिसका मन जब करेगा उसने तभी रोड क्रॉस करनी है भाई, लेकिन जो कि गलत है भाई, गलत है, टोटली रॉन्ग है भाई। और गाइस आपको पता है चाहे ट्रैफिक हो, चाहे जाम हो, चाहे कुछ भी हो यार, अपने को पीछे रहने की ना कुछ खास आदत नहीं है, हम लोग आगे जाना पसंद करते हैं, और कैसे तैसे करके ना भाई ट्रैफिक को क्लियर करके, यानी मैं तो कर नहीं सकता लेकिन मैं खुद को तो क्लियर कर सकता हूँ ना भाई, यानी आराम से आगे तो जा ही सकता हूँ निंजा की कटिंग वटिंग करके। अंकल जी को देखो भाई साहब, अंकल जी अपने पेट का साइज चेक कर रहे थे यार मुझे लग रहा है ना, और फिर मुझे भी घूर के देखने लगे भाई, कमाल है यार, सही है यार। पुलिस वाले सर जी यहाँ पे हमें डेली देखते हैं भाई, डेली ऑन ड्यूटी रहते हैं, जो कि सही भी है भाई। भाई साहब क्या क्रेजी स्पीड है ना यार निंजा की, तभी आपको कहता हूँ निंजा एकदम दिल खुश मशीन है भाई, एक बार आओगे ना भाई आपका मन नहीं लग जाएगा भाई, बार बार ये वाली बाइक चलाने का मन करेगा, बस यही चीज यही है भाई निंजा में, यही कारण है निंजा बड़ी पसंद आती है भाई। लेफ्ट को चलान कट रहे हैं, हम नहीं चाहते हमारा कटे, सो हम लोग सीधा ट्रैवल करेंगे भाई, बिल्कुल सीधा जाएंगे। इधर चेक कर रहे हो गाइस, ऐसा लग रहा है भाई आज ना सिटी में बिल्कुल किसी ने भाई ब्राइटनेस लो कर दियो, ज्यादा तब होती है जब धूप होती है, अभी शाम हो चुकी है, सनसेट वाला टाइम है, तो ऐसा लग रहा है हवा भी तगड़ी चल रही है, और अंकल जी ने टेम्पो फंसा दिया भाई। ऊपर देख रहे हो गाइस इंडिया का तिरंगा क्या मस्त हवा में लहरा रहा है ना, इसे साफ साफ सीधा सीधा पता लग जाता है बड़ा ठंडा मौसम है भाई। इधर देखो भाई कितना बड़ा एंगल है ना, रिक्शा पे जा रहा है, ऊपर डीजे भी जा रहे हैं भाई, किसी के घर मुझे लगता है भाई शाम को शादी है, सही है यार। और गाइस आसपास के जितने भी बंदे हैं ना, जैसे एक बार निंजा पहले गियर पे उड़ने का कोशिश करती है, सारे घूर घूर के देखते हैं भाई, आपको यकीन नहीं हो रहा तो आगे रिएक्शन चेक करा देता हूँ भाई, दुनिया हैरान है, एक तो मुझे देख के, मुझे तो क्या देख के हैरान होगी, लेकिन बाइक को देख के बड़ी हैरान है भाई, पहले गियर पे ये ऐसे कूदती है ना भाई, ऐसे कूदती है जैसे कि कोई ईगल कूद रही हो भाई, तभी तो हमने ईगल वाला स्टिकर लगा रखा है भाई यहाँ पे, ईगल से कम नहीं है भाई अपनी मशीन, पंख के बिना भी भाई निंजा उड़ने की कोशिश करती है भाई, उड़ने की कोशिश करती है पहले गियर पे, जस्ट किलर मशीन भाई, किलर मशीन। भाई साहब और गाइस आपको पता ही होगा भाई ओपन एरिया में राइड करने का कितना नेक्स्ट लेवल मजा आता है ना भाई, बढ़िया से व्यू के साथ हम लोग हैं भाई अपने गोहाना के फ्लाईओवर पे, और सनसेट वाला व्यू देखो जरा भाई, हमने सूर्य देवता जी भाई लेफ्ट हैंड साइड को बादलों के पीछे मस्त करके छुपे हुए हैं, बादलों से कैसे ढके हुए हैं ना भाई, कितना मस्त व्यू है भाई, कितना बढ़िया व्यू है, साथ में निंजा अपने साथ है, इससे ज्यादा लाइफ में चाहिए क्या भाई।
और गाइस पता है आपको यार, कभी कभार ना ऐसा पॉइंट आ जाता है यार, निंजा जैसी पावरफुल मशीन होने के बाद भी आप लोग ओवरटेक नहीं कर पा रहे, कुछ सिचुएशन में ऐसा हो जाता है। तो भाई उसका एक ही इलाज है, थोड़ा पेशेंस रखो, पेशेंस के साथ आगे चलो, वरना नुकसान हो जाएगा भाई। और ये दो पंछी ऐसे हैं भाई, दो कबूतर हैं, उसी टाइम से मेरे साथ है भाई। जहाँ से मैं निकला हूँ ना अपनी गली में से, अपने भाई के पीछे पीछे आ रहे हैं भाई। अब तो वहाँ रह गए हैं, एक देखो वहाँ पे भी है भाई। पता नहीं क्या कारण है, लगता है कबूतरों को भाई अपनी मशीन पसंद आ गई है भाई, अपनी निंजा से कबूतरों को प्यार हो गया भाई साहब। आजकल कुछ भी पॉसिबल है भाई, यंग जनरेशन में ना कुछ भी पॉसिबल है भाई। कबूतर को कबूतर से प्यार नहीं, कबूतर को निंजा से जरूर प्यार हो जाएगा भाई, ऐसा हो सकता है। 3-2-1 करके आगे निकलेंगे, 3-2-1 लेट्स गो। आगे वाले भाई देख लो भाई, क्या बढ़िया खुश हो रहे हैं ना निंजा को देख के, बढ़िया से मौसम के साथ हाथ भी दे रहे हैं। चलो एक बार बातचीत कर लेते हैं, कैसे हो भैया, ठीक हो? चलो बाय बाय, ठीक है, बढ़िया बढ़िया हूँ, ओके। भाई साहब निंजा ना इतनी क्रेजी मशीन है, किसी को साथ से निकलने का मौका ही नहीं देती भाई। गाड़ी है, ट्रक है, आपकी आंखें झपकने से पहले, आंखें बंद होने से पहले निंजा आगे निकल जाएगी भाई। यही इस क्रेजी मशीन की पावर ही यही है भाई, एक्चुअली में दम ही यही है भाई साहब इस मशीन में ना। बाकी गाइस पीछे से स्टैंडर्ड बुलेट 350 आगे निकलने की कोशिश में है, उसको निकलने देते हैं भाई। सही है भाई, सही है। और भाई ने भी आफ्टर मार्केट पंजाब का एग्जॉस्ट लगा रखा है, काफी लाउड लग रहा है भाई, लेकिन हमारी निंजा से लाउड नहीं है भाई। तो क्या कहती है अपनी पब्लिक भाई, बारिश के मौसम में हो जाए फिर बुलेट स्टैंडर्ड 350 वर्सेस निंजा 300 भाई। बुलेट को भाई आंसू और पसीने छुड़ा देगी भाई निंजा ना, ये देखो भाई साहब। मुझे पता क्या लगता है, जैसे हम लोग कहते हैं ना भाई, आज तो फिर रेस हो जाए भाई, सामने से मैदान पहले खाली हो जाता है भाई, बुलेट भी राइड को मुड़ गई डर के ना, हो सकता है भाई, इट इज पॉसिबल भाई, पॉसिबल हो सकता है भाई। ये देख रहे हो गाइस होली की क्या भयंकर तैयारियां चल रही है ना बाजार में, पिचकारियां ही पिचकारियां भाई साहब, गुलाल ही गुलाल, रंग ही रंग, कमाल हो गया भाई। आगे पुलिस की सायरन की आवाज सुनाई दे रही है, आई डोंट नो व्हाट इज द रीजन। पुलिस वाले भैया जी नीचे उतर चुके हैं भाई बाइक से ना, क्या खतरा मंडरा रहा है भाई साथ में पुलिस वाला। सही है भाई, सही है। कभी कभार पता क्या होता है यार, बाइक पे ना पूरी दिन ड्यूटी कर करके पुलिस वाले भाई थक भी जाते हैं, और भाई शरीर अकड़ सा जाता है यार। अपनी तो आदत हो रखी है, हम लोग तो सुपर बाइक को लेके बाजार में बढ़ जाते हैं भाई, चाहे 30 मिनट लगे, चाहे 1 घंटा लगे, चाहे 2 घंटा लगे भाई। लेकिन सही है यार, उनकी 24/7 की ड्यूटी है, वो आराम से उतर भी सकते हैं, मस्त टहल सकते हैं भाई सिटी में। सही है यार। गाइस रोड हल्का सा खाली आया है, मैंने सोचा निंजा का ना आज एक बार भी भाई, आज के व्लॉग में एक बार भी स्पीड टेस्ट नहीं किया है, जरा वो कर लिया जाए, निंजा को ना अच्छी तरह भगा लिया जाए। लेट्स गो। ओ भाई साहब 115 गाइस, क्या भाग रही है ना भाई साहब निंजा यार। गाइस हवा छोड़ो, ये तो तूफान मशीन है भाई, सही बता रहा हूँ यार, इसके भरोसे बिल्कुल मत बैठना, कसम से बता रहा हूँ भाई साहब। ये बिल्कुल एंड सीन है भाई, बिल्कुल एंड सीन है। 115 ऐसे मारती है, आपकी खोपड़ी को भी नहीं पता लगेगा भाई, यानी आपके माइंड सेट को ही नहीं पता लगेगा कि बाइक ने 115 मार दिए भाई। आगे ट्रैक्टर जा रहा है, ओवरलोडेड, बिल्कुल ओवरलोडेड है। और भाई साहब ऐसा मुझे लग रहा है ना कि भाई ये लेफ्ट की तरफ शिफ्ट हो रहा है भाई, यानी कभी भी लेफ्ट को गिर सकता है भाई, इतना ओवरलोड हो रखा है कि एक साइड जा रहा है भाई साहब, इससे आगे निकलने में फायदा है भाई। चलो भाई चलो। और गाइस मैं उस लेन से जा रहा था ना जहाँ पे मैंने आपको ट्रैक्टर दिखाया है, इस लेन पे भाई, उस लेन से इस लेन पे मैंने नजर डाली तो यहाँ पे ना भाई हल्का सा टेम्पो का एक्सीडेंट हो रखा था, पूरा टेम्पो पलट रखा था। जरा आपको कंडीशन दिखाता हूँ भाई, क्या वो सही था नहीं था, गलत फहमी हुई है या क्या हुआ है। लेफ्ट हैंड साइड को देखना भाई, लेफ्ट हैंड साइड को एक एक्सीडेंट मुझे दिखने में आया भाई, पता नहीं एक्चुअली में था नहीं था, आपको दिखाता हूँ भाई। ओ भाई साहब जरा यहाँ चेक करो भाई, एक्सीडेंट, मैं इसी एक्सीडेंट की बात कर रहा था भाई, बड़ा तगड़े वाला एक्सीडेंट हो रखा है भाई। इधर चेक करो, ये देखो भाई, ये देखो पूरा टेम्पो पलट रखा है भाई, छोटा हाथी कह सकते हो, पूरा पलट रखा है भाई।
क्या बात है ना यार, सारे टायर ही टायर विजिबल है और लग रहा है 3-4 घंटे पहले हुआ है। और ट्रक के ड्राइवर बाहर बैठे हैं भाई, यह क्या चक्कर है भाई, ये क्या चक्कर है भाई साहब। उसके पूरे पलटे हुए ट्रक के टायर दिख रहे थे भाई, सारे टायर पूरे विजिबल थे। और ऐसा भी लग रहा था भाई दूर से ना पेट्रोल लीक हो रहा हो भाई, या तो उसका फ्यूल लीक हो रहा है या कूलेंट लीक हो रहा है भाई, एक चीज लीक हो रही थी। और जो ट्रक के ड्राइवर है वो आराम से बाहर बैठ के चैटिंग कर रहे थे भाई, फोन पे बात कर रहे थे। सही है गाइज, ये देख रहे हो गाइज हरियाणा रोडवेज है ना यार, हमारे हरियाणा में काफी खतरनाक होती है भाई। सीधी जा रही है तो कभी लेफ्ट हो जाएंगे राइट हो जाएंगे, कुछ नहीं पता लगता भाई। अभी तुम्हारा भाई जस्ट इत्तू सा बचा है भाई, निंजा को लेके ना लेफ्ट से निकल रहा था, वो एकदम से इधर टिल्ट होगी भाई। चलते हैं गाइस आगे, आगे देखो यार नदी के आसपास कई सारे पिजन्स यानी व्हाइट कलर के पिजन्स कबूतर एक साथ उड़ रहे हैं भाई एक ही झुंड में। जरा लेफ्ट को चेक करो भाई साहब, क्या कमाल ग्रुप है ना यार, क्या मस्त लग रहा है भाई। एक साथ पिजन राइड कर रहे हैं भाई, बड़ा सुंदर लग रहा है। और यहाँ पे आने का भाई एक ही मतलब है, यहाँ का व्यू काफी क्लियर होता है। और यहाँ देखो भाई राइट साइड ना ग्रीनरी ग्रीनरी है भाई। तो जी गाइस फाइनली यहाँ पे अपना हो चुका है मस्त डिनर का टाइम। और बाइक आपको पता है भाई सामने देखो रोड की तरह पार्क कर दी है। बाकी कमेंट्स में बताना भाई आज बाइक की जो न्यू मॉडिफिकेशन थी, अपना चैनल का नाम था यूट्यूब वाले, कैसा लगा कैसा नहीं लगा। बाकी डिनर का टाइम है, डिनर में बना है भाई आज मस्त करके पोहा, आप देख ही सकते हो भाई कितना गर्मा गर्म है ना भाई, धुआं उठ रखे हैं यहाँ पे। टाइम हो रहा है अभी का भाई पूरे 9:30 बज रहे हैं। और आपको पता है भाई 12-1 बजे तक का अपना सारा एडिटिंग वाला काम है। बाकी गाइस खूब पकड़ता हूँ, आज वाला व्लॉग प्लस आज वाली राइड आपने दिल से पसंद की होगी। प्लीज लाइक शेयर कॉमेंट एंड सब्सक्राइब। कल मिलता हूँ नए व्लॉग में नई एनर्जी के साथ। Thank you so much. Love you all.